Shall I compare thee to a summer's day by William Shakespeare, एक पॉपुलर सोनेट है जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। सोनेट का मतलब होता है एक 14 लाइन का फ्रेज जिसमें कि 14 लाइन होते हैं। चलिए इसका मतलब समझते हैं। क्या मैं आपकी तुलना गर्मी के दिन से करूं? Shall I compare, क्या मैं आपकी, मतलब दी मतलब होता है तुम्हारा या आपका, तो क्या मैं आपकी तुलना गर्मी के दिन से करूं? तो कवि विलियम शेक्सपियर अपने दोस्त के सौंदर्य की तुलना ग्रीष्म ऋतु के दिन से करना चाहता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसका दोस्त बहुत सुंदर है और मनमोहक है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु से उसके मित्र की के सौंदर्य की तुलना नहीं की जा सकती है। इस तरह से ये पोएम जो है ये मतलब पूरे मतलब अपने दोस्त के सौंदर्य के बारे में चर्चा के बारे में है। राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी 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 जी। ये सोनेट जो है इस सोनेट में ये पता नहीं चलता है कि ये कंपेयर किससे लड़का या से किया जा रहा है या लड़की से किया जा रहा है। चलिए इसको पढ़ते हैं। दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। दाउ मतलब आपका या तुम्हारा हो गया, कला हो गया, आर्ट मतलब कला हो गया। आपकी कला जो है गर्मी से ज़्यादा सुंदर है। टेम्परेट मतलब होता है समशीतोष्ण, आपकी कला अधिक सुंदर और अधिक समशीतोष्ण है। चलिए इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। कवि इस लाइन में अपने मित्र से कहते हैं कि तुम ग्रीष्मकालीन दिन की तुलना में अधिक सुंदर हो, तुम्हारा स्वभाव एवं प्रकृति ग्रीष्मकालीन जलवायु से अधिक सुंदर एवं मधुर है। रफ विंड्स डू सेक द डार्लिंग बट्स ऑफ मे। रफ विंड्स मतलब हो गया तेज हवाएं, डू सेक मतलब हिला देती हैं, डार्लिंग मतलब प्यारी, बट्स मतलब होता है कलियां, मई मतलब मई के सीजन में, तो क्या होता है तेज हवाएं मई की प्यारी कलियों को हिला देती हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। तीसरी पंक्ति में कवि कहते हैं प्रचंड हवा मई में खिलने वाली सुंदर कलियों को बर्बाद कर देती है, इसलिए कवि अपने मित्र के सौंदर्य के तुलना ग्रीष्मकालीन ऋतु में चलने वाली गर्म हवा से नहीं करना चाहते हैं। एंड समर्स लीज हैड टू शॉर्ट ए डेट। एंड समर्स लीज हैड टू शॉर्ट ए डेट का मतलब क्या होता है? समर मतलब हो गया गर्मी, लीज मतलब एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो कि समय मतलब ख़त्म होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। हैज के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट ऑफ हैव को हैव कहा जाता है। टू शॉर्ट एट एट मतलब थोड़े समय के लिए होता है, मतलब समर गोज बाय टू क्विकली, मतलब गर्मी जो है तेज़ी से मतलब ख़त्म हो जाता है। ये बात हो रही है मतलब लेखक जहाँ रहता है विलियम शेक्सपियर, ये बात मतलब ठंडे प्रदेशों की हो रही है। ग्रीष्मकालीन सौंदर्य थोड़े समय के लिए होता है, समय इस सौंदर्य को बहुत जल्द ख़त्म कर देता है, इसलिए कभी अपने दोस्त के सौंदर्य की तुलना ग्रीष्मकालीन समय से नहीं करना चाहता है। सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन साइंस। सम टाइम मतलब कभी कभी जो है, टू हॉट मतलब बहुत गर्मी होता है, कब होता है टू हॉट द आई ऑफ हेवन साइंस। हेवन का यहाँ पे मतलब सूर्य की आँख हो गई, यहाँ पे हेवन के लिए साइंस मतलब चमकती है। एंड ऑफन हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड। गोल्ड कॉम्प्लेक्शन मतलब चमकीला रंग जो है कभी कभी जो है डिम्ड मतलब धुंधला हो जाता है, तो कवि कहते हैं कि ग्रीष्मकाल में सूर्य की किरणें काफ़ी चमकीली होती हैं और कभी कभी धुंधली भी हो जाती हैं जो बादलों के कारण होता है, अर्थात जब बादल आ जाते हैं तो सूर्य का चमक जो है फीका पड़ जाता है, अर्थात कभी अपने मित्र की तुलना ग्रीष्मकाल से नहीं करना चाहता है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइन बाय चांस और नेचर चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। मतलब क्या हुआ, एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर मतलब वस्तु कितना भी सुंदर हो लेकिन समटाइम डिक्लाइन मतलब कुछ समय के बाद उसका सुंदरता जो है ख़त्म हो जाता है। बाय चांस मतलब मतलब मौका, और नेचर चेंजिंग मतलब प्रकृति के बदलाव से जो है उसमें उसके सुंदरता में कमी आ जाती है। चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, यहाँ पे इसका मतलब अनट्रिम्ड का मतलब होता है इट मीन्स अनचेंज्ड इन द फेस ऑफ नेचर्स नेचुरल चेंजेस, मतलब अनचेंज्ड मतलब नेचर के चेंज होने के बावजूद उसकी सुंदरता में कमी नहीं आती है, ये कह रहा है कवि। कवि कहता है कि हर सुंदर वस्तु समय के अनुसार अपना सौंदर्य खो देती है लेकिन उसके दोस्त का सौंदर्य स्थायी है, वह कभी ख़त्म नहीं होता, इसलिए यहाँ पे जो है अनट्रिम्ड का यूज किया गया है। बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड।
बट दाई, मतलब लेकिन तुम्हारा जो है इटरनल समर यहाँ पे यूज किया गया है कि रेफर्स टू द एवर लास्टिंग ब्यूटी ऑफ द पोइट्स बिलवेड फ्रेंड, मतलब उसके मित्र की सुंदरता के लिए यूज किया गया जिसकी सुंदरता हमें कभी खत्म नहीं होगी, नॉट फेड मतलब धुंधली नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ वेस्ट, मतलब नॉर लूज मतलब खत्म नहीं होगी, वो अपने स्थान से मतलब विचलित नहीं होगा या उसका उसकी सुंदरता हमेशा बनी रहेगी। दैट फेयर मतलब सुंदरता, दाउ दाउ मतलब तुम जो है तुम्हार आपकी, ओ से ही ओस्ट बना है तो वो आपकी सुंदरता हमेशा बनी रहेगी। इसका मतलब है मित्र तुम कभी भी सौंदर्य से वंचित नहीं हो सकते, तुम्हारा सौंदर्य स्थायी है। और सेल डेथ ब्रैग दाउ वॉन्ट रेस्ट इन इज सैड, मतलब सेल डेथ मतलब मृत्यु जो है, ब्रैग मतलब गर्व के साथ करना, दाउ तुम्हें वॉन्ट रेस्ट इन इज सैड मतलब तुम्हारी छाया पे नहीं आ सकती। वैन इन इटर इटरनल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रोएस्ट, मतलब वैन इन इटर मतलब जब तुम इटरनल लाइन मतलब इटरनल मतलब हो गया शाश्वत, इन पंक्तियों के माध्यम से तुम अमर हो रहे हो, टाइम मतलब समय में, दाउ ग्रोएस्ट मतलब इन पंक्तियों के माध्यम से तुम ग्रो कर रहे हो या अमर रहे हो रहे हो। तो कवि क्या कह रहा है, कवि अपने मित्र से कह रहा है कि तुम इन पंक्तियों के माध्यम से हमेशा अमर रहोगे। मतलब ब्रैग मतलब किसी चीज़ को गर्व से कहना, टू बोस्ट। तो इस तरह से ये कवि जो है अपने मित्र की प्रशंसा कर रहा है। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, जब तक आदमी जो है सांस लेते रहेगा, और आइज कैन सी जब तक आंखें देखती रहेंगी, सो लॉन्ग लाइफ दिस मतलब जब तक ये जिंदगी रहेगा, एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी मतलब जब तक जिंदगी रहेगा तब तक तुम रहोगे। मतलब कवि अपने मित्र से कहते हैं कि जब तक मनुष्य इस धरती पर रहेगा तब तक वह जो है इस कविता को पढ़ेगा, तुम उसके मस्तिष्क में हमेशा ही रहोगे, मनुष्य जन्म लेगा और मृत्यु में समा जाएगा लेकिन तुम हमेशा ही जीवित रहोगे और कविता के माध्यम से अमर बने रहोगे। मतलब कवि कह रहा है कि अपने मित्र की प्रशंसा कर रहा है कि तुम हमेशा अमर रहोगे इन पंक्तियों के माध्यम से। शेक्सपियर अपने मित्र के बारे में बोल रहा है कि तुम इन पंक्तियों के माध्यम से हमेशा अमर अमर बने रहोगे। धन्यवाद, और यदि वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।